नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि किस तरीके से आप कम पैसा में एक अच्छा खिड़की बनाएंगे। और ऐसा खिड़की तो आप बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन आप लोग का मन में ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहता होगा कि इसका सेंटरिंग है, उसे कैसे किया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो सारा चीज़ मैं आपके सामने आज खोल कर रख दूँगा। प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस विंडो का हम लोग साइज़ जान लेते हैं। तो इस विंडो का जो साइज़ है वो 4 फीट बाई 4 फीट का रखा गया है। और ये साइज़ अगर आप एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर लगा रहे हैं तो दोस्तों परफेक्ट माना जाता है, आप देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करें कि इसे कैसे बनाया जाता है, इस तरह का जो खिड़की का डिज़ाइन है उसे। तो सबसे पहले देखिए, जब आप सील लेवल पर पहुँचते हैं, सील लेवल क्या होता है थोड़ा वो जान लीजिए। जहाँ से आप खिड़की देना शुरू करते हैं, देखिए ये सील लेवल है। तो अगर आपके उस सील लेवल पे दोस्तों 2 से 3 खिड़कियाँ एक ही लाइन में आ रही है, तो आप इस तरीके से देखिए, एक आप डीपीसी टाइप का कर सकते हैं, देखिए एक लाइन में, ताकि जो नीचे वाला पोर्शन आप ढालेंगे तो आपको मजबूती प्रदान हो, आपको मजबूती मिल पाए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ इतना ही दूर में दोस्तों वो ढाल के निकल जाते हैं, वो भी सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप मजबूती चाहते हैं तो आप इस तरीका से उपयोग कर सकते हैं, एक डीपीसी। फिर उसमें आपको देखिए लगभग लगभग हल्का 3 से 4 इंची बाहर की तरफ आपको रखना होता है। देखिए यहाँ से आपको खिड़की उधर है, लेकिन 3 से 4 इंची आपको इधर बढ़ाना होगा और 4 इंची आपको लगभग उधर बढ़ाना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक सर्कुलर शेप का कॉलम भी देने वाले हैं आप, अगर आप इस टाइप का विंडो बना रहे हैं तो। इसके लिए दोस्तों आपको हल्का इधर आना होता है, तभी आपको 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ भी ओपन स्पेस मिलता है, जितना आपका खिड़की है। चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर डीपीसी करेंगे उसी के साथ में दोस्तों इसे ढलवा लेना है। यहाँ पर लगभग बात किया जाए तो 18 इंची इस बाहरी पार्ट है दीवार का, बाहरी पार्ट से 18 इंच बाहर तक इसे ढाला गया है, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे 2 इंची का दोस्तों आपको गैप छोड़ा गया है दोनों साइड, आप देख लीजिए इधर भी और इधर भी। और उसके बाद आपको जब इसको ढलवाएंगे उसी समय आपको 3 या 4 सरिया निकलवा लेना है, ज़्यादा नहीं, आपको 10 mm का सरिया से भी काम हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस बताऊँगा, पहले इसका जान लीजिए कैसे स्लैब ढाला जाता है। तो ऐसे निकलवा लेना है, सेम प्रोसेस आपको उधर भी करना है, 4 सरिया निकलवा लेना है। फिर इसको ढालने के समय ही आप अगर आप बीट चाहते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये बीट है, इस टाइप का बीट चाहते हैं तो आप बीट बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीख लीजिए। ये बीट से आपका जो लुक है विंडो का वो कई गुना तक बढ़ जाता है। सिर्फ अगर आप 4 इंची के आसपास में ढलाई कर रहे हैं तो आपको 2 इंची बाई 2 इंची का, जब नीचे में आप शटरिंग करेंगे ऐसे, तो वहाँ पर 2 इंची बाई 2 इंची का आपको एक थर्मोकोल रख देना है इस टाइप से। यहाँ तक मान लीजिए आप शटरिंग यहाँ पर बना रहे हैं, तो फिर आपको कॉर्नर पे 2 इंची बाई 2 इंची का सिर्फ थर्मोकोल रख देना है। उसके बाद आपको ढलाई कर देना है। उसके बाद जैसे ढलाई कंप्लीट हो जाता है, उसके 3 से 4 दिन बाद जब आप इसे डीसेंटरिंग करेंगे, जब खोलेंगे तो आपको ऐसा एक बीट बना हुआ मिलेगा, आप देख लीजिए। बहुत आसान तरीका है, मैं बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरीका का आपको बीट डिज़ाइन तीनों तरफ से बना लेना है, देख लीजिए अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं कि ऊपर में इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया, आपने सरिया भी निकाल दिया 3 या 4। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि इस लेवल पर जब आप पहुँचते हैं लिंटर लेवल पे, जब लिंटर लेवल पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे दोस्तों लिंटर की ढलाई के समय आपको दोस्तों इधर बाहर की तरफ एक बीम निकाल लेना है, आप देख लीजिए लगभग 4 इंची बाई 4 इंची का निकाल लेना है आपको दोनों तरफ, एक वहाँ पे बिल्कुल सीधे जो आप देख रहे हैं जहाँ पे आप सरिया छोड़ेंगे उसी के बिल्कुल सीधे में ऊपर भी आपको निकाल लेना है। फिर वहाँ पे आपको जो सरिया आपने निकाला था उसमें दोस्तों आपको एडजस्ट कर देना है जो बीम में ही, और उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आसानी के साथ उसे ढाल सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा को ढाल लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि वहाँ भी ऊपर के लिए भी दोस्तों आप सरिया निकाल लेंगे। इस बीम में आपको 5-6 सरिया आपको 3-3 इंचे पे बाहर की तरफ निकाल देना है, जिसको हम लोग ऊपर वाला पार्ट में ढलाई में यूज़ करेंगे, जिससे आपको ऊपर में भी मजबूती मिलेंगी। तो दोस्तों नीचे वाला को लेकर आपको ढाल देना है इस बीम में सरिया को, और ऊपर में चाहेंगे तो आप आसानी के साथ जो सरिया था उसको दोनों तरफ से निकलवाएंगे बीम में। फिर आप दोनों तरफ से दोस्तों सरिया को लेके इस तरीके से उल्टा वी आकार का बांध लेंगे। फिर उसके बाद शटरिंग करने के बाद इस सरिया को दोनों को मिलाने के बाद आप आसानी के साथ ढलाई कर सकते हैं, जिससे आपको एक मजबूती मिलेगा, यहाँ पर एक अच्छा बंधन हो जाएगा, नीचे से भी सरिया जाएगा, उधर से भी आएगा, फिर
वो जब ऊपर है वहाँ भी, तो तीनों दोस्तों अब एक जगह मिलकर दोस्तों बांध के वहाँ पे आप कंक्रीटिंग कर देंगे, ढलाई कर देंगे, तो आपको इस तरीका सा तरीका का जो शेप है वो मिल जाएगा। अब बात आता है कि यहाँ पे देखिए 4 इंची का आपको मान लीजिए चाहिए सर्कुलर शेप का कॉलम, मतलब गोल कॉलम अपने भाषा में बोले तो आपको कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। देखिए आपको 4 इंची का PVC पाइप लाना है। देखिए ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये 4 इंची का पाइप है, आप देख लीजिए कैसे इसे लगाया जाता है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए इस तरीका से दोस्तों बीच में इसको काट लेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको एक बार काट लेना है। देखिए इस तरीका से ब्लेड के मदद से, आरी ब्लेड के मदद से भी आसानी के साथ ये कट जाता है। तो काटने के बाद दोस्तों आपको जो सरिया है, सरिया आपने जो छोड़ा था उसमें दोस्तों इसको कटा हुआ भाग को लेकर लगा लेना है, फिर उसको तार से बांध देना है। आपको देख लीजिए इस तरीका से तार से बांध के फिर दोस्तों ऊपर में आप आसानी के साथ इसे ढलाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीका से। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए कि पहले आपको ढलवाना है नीचे वाला जो पार्ट है स्लैब उसे, उसके बाद दोस्तों आपको राउंड कॉलम को ढाल लेना है, सरिया ऊपर की तरफ निकालना है, उसके बाद फिर आपको बीम को ढालना है, सरिया जो निकला हुआ उसको ले लेना है, फिर ऊपर वाला सरिया के लिए भी दोस्तों आपको वहाँ पर सरिया निकालना है, फिर उसके बाद में टोटल को मिलाने के बाद एक आपको सेंटरिंग कर लेना है ऊपर के लिए, फिर तीनों को मिलाते हुए आपको ऊपर वाला पार्ट उसे ढाल लेना है। तो ऐसा बनाते हैं तो आपको इस तरीका से देख लीजिए स्लोप डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। और बहुत ही ज़्यादा लोग आजकल इस तरीका का जो विंडो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा विंडो बनाने में आपको, सनसेट बनाने में आपको ज़्यादा पैसा का खर्चा भी नहीं आता है, आसानी के साथ बन भी जाता है और आपको एक अच्छा लुक भी देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस नया चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।